अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बारिश हो रही है तो घर वाले कहते हैं पकोड़े खाने हैं, तो हमने सोचा ठीक है बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिया इसके लिए कुछ प्याज है, टमाटो, हरी मिर्च और पालक है। इसको काट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जो भी इसमें डालेंगे और बनाएंगे, टेस्ट करेंगे। सो चलें देखते हैं। हम पसंद करते हैं सब्ज मिर्च ज्यादा, तो मैंने थोड़ा इसको काट लिया, बड़े पीस रख लिए इसके। बाकी जो है वो जो बड़े बड़े हम पसंद करते हैं आलू प्याज जो, सो इसलिए मैं थोड़ा इसको लंबे काट रहा हूँ कि सब ऐसे पसंद करते हैं। आप शेप कोई भी रख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो पालक है हमारी ये बिल्कुल नरम है, छोटे छोटे पकते हैं तो इनको थोड़ा आराम से छोटे छोटे काट लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएगी ये। इस पालक को ना अब हमने इसमें डाल लेना सारा और इसको धो लेना अच्छे से, क्योंकि हमने धोई नहीं पहले, तो अभी काट के इसको धो लेंगे और साथ में ला लेंगे इसका। चटनी के लिए हमने लिया ये पुदीना है, पुदीना सब्ज धनिया है ये डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा अदरक और सब्ज मिर्च ये गया, और 2 स्पून ना इसमें योगर्ट डाल देंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा इसको मिक्स करने में। 3 कर लेते हैं, बाद में फिर भी डालनी है ना। साथ में ये गया हमारे पास जो है ना, थोड़ा स्पाइसेस हैं, साबुत जीरा आधी चम्मच, काली मिर्च और नमक आधी आधी चम्मच, तीनों के इसमें गया, और साथ में तकरीबन आधा जो लेमन है वो इसमें डाल लेंगे, उसके जायका भी अच्छा आएगा उससे और कलर भी सही रहेगा जो प्याज। मशीन बहुत जबरदस्त है, देखें जी ये तैयार हो गया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं दूसरी योगर्ट में। इसको डालते हैं इस योगर्ट में जो हमने थोड़ी तैयार की थी। इसको ना अब अच्छे से मिक्स कर लेना, और आपकी जो पुदीना चटनी जो है ना वो तैयार हो जाएगी और टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। मिक्स तकरीबन सारा तैयार हो गया। अभी इसमें डालेंगे बेसन, क्योंकि हमारे पास 1 पाउंड आलू, तकरीबन 1 पाउंड जो पालक है, 1 पाउंड है प्याज रहे। इसमें ये तकरीबन हम थोड़ा ज़्यादा मैदा पसंद करते हैं, तो मैं इसमें डालूंगा तकरीबन 2 पाउंड के बराबर, आधा पैकेट जो है ना वो डाल देंगे इसमें। आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिया 2 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच नमक, और 1.5 1.5 चम्मच है सूखा धनिया कुटा हुआ और जीरा कुटा हुआ, और 1 1 चम्मच साबुत धनिया और ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अनारदाना, और तकरीबन आधी चम्मच ना कुटी हुई सुरह मिर्च।
ये सारे इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स कर लें, पानी नहीं डालना, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो फिर अच्छे से जो है ना स्पाइसेस आपकी जो वो मिक्स नहीं होती इसमें। सो थोड़ा पहले मिक्स कर लें, बाद में इसमें जो है ना पानी डालेंगे। सो अब थोड़ा सा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना इसमें हम एक साथ में ना। सो क्यों ज़्यादा डालेंगे, फिर बेसन डालेंगे तो इसी से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें इसमें, साथ में मिक्स करते रहें इसको। तो जो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, दो ग्लास से हमने पानी डाला इसमें जो जरूरत पड़ी। सो ये तैयार है, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, जो जितना पेस्ट होगा ना आपका सो उतना अच्छा लगेगा, इतना सब कुछ मिक्स होगा जायका इवन हो जाएगा। सो अभी बनाते हैं और दिखाते हैं। सो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान, ऑयल डालते हैं इसमें। काफ़ी है, सो आग को जला देते हैं। ऑयल को गर्म होने का इंतजार करते हैं इसको। सो जो पकौड़े हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक साइड पे पका ले, फिर इसको फ्लिप कर लें, तकरीबन 5 से 6 मिनट में जो पकौड़े हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। सो इसको जब होंगे दिखाते हैं आपको। सो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको फ्लिप करते हैं, देखते हैं इसकी सूरत हाल क्या है। देखें माशाल्लाह कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका, क्योंकि मैं जो है इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बना रहा, इसलिए थोड़ा ना आराम से पकेंगे तो अच्छे क्रिस्पी होंगे अंदर से, जैसे हमारे पसंद करते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट वाले जो है नरम पकौड़े नहीं पसंद करते हैं जो ना। देखें तो कलर काफ़ी हद तक स्लो होना हो गया, सो ज़्यादा रेड नहीं करना, स्लो डार्क लाइट ब्राउन जो करना है इसका कलर सारा। सो जो कलर जो हमें चाहिए था पकौड़े का वो हो गया, देखें माशाल्लाह लाइट कलर है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, तो इसलिए इसको निकाल लेते हैं जो नाइस एंड क्रिस्पी है। देखें आवाज इसकी, चलो डालते हैं दूसरा। एक बार तो आप जला लिया मैंने तेल से इसको। सो इसका रिजल्ट जो है चेक करते हैं, बारिश में पकौड़े का मज़ा देखें माशाल्लाह, ये देखें नाइस एंड क्रिस्पी। बिस्मिल्लाह ये देखें कलर इसका, लेमन डालने से कलर जो है ना ख़राब नहीं होता इसका, और जो पकोड़े जो मज़े के हैं ना तो कैसे बताऊं। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें ट्राई द रेसिपी, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। इफ यू डू प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को,
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।